अब इसे इसे तोड़ मत दियो, बस इसे तू पकड़ ले। मैं की तोड़ूंगा, इसका जुगाड़ बना दे पहले। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें हमारे कैरावैन का मिरर टूट गया था। तो हम जैसे तैसे यहाँ पहुँच गए थे एल्स ऑफ स्काई में, हम रात को ड्राइव करके जैसे तैसे बिना मिरर के। बट अभी हमको यहाँ से जाना है काफ़ी आगे, तो उसके लिए हमको मिरर को ठीक करना है। तो कुछ जुगाड़ करते हैं, वो भी अभी गए हैं कुछ रिश्ता रस्ती वस्ती लेने के लिए, तो इसको ठीक करना है। ये यहाँ पे ऐसे लगता है, देखो ऐसे, ताकि पीछे का पूरा दिखे, बिकॉज काफ़ी बड़ी कैरावैन है। तो पूरा बाहर तक निकला हुआ था ये मिरर, और ये लगा और टूट गया। बाकी इंडिकेटर भी टूट गया, देखो यहाँ का। अभी कैसे लगाओगे इसको? अरे मैं लगाऊंगा ना, कई को टेंशन करता है। अब अपना टूल बॉक्स नहीं है, इसका मतलब होना कि इंडियन वैसे भी जुगाड़ू होता है भाई। टूटे हुए में दिखेगा? अरे दिख तो रहा है, सब दिख रहा है यार, इतना तो मैं आइडिया ले लेता हूँ। अब इसे इसे तोड़ मत दियो, बस इसे तू पकड़ ले। मैं की तोड़ूंगा, मतलब गिर के ना टूट जाए ना। मैं इसको बाद में करता हूँ, ठीक है ना? बांधो, कुछ होल करने हैं इसमें, मैं बना देंगे यार, इंडियन जुगाड़ हमारे पास रहता है। ठीक है, ठीक है। किससे मांग के लाओगे बांधने के लिए? भाई देखिए, कल रात को हम रुके थे इस वाली कैंपिंग साइट पे। देखो यहाँ पे काफ़ी सारी कैरावैंस हैं, टेंट लगा रखे लोगों ने, बट हमारा पोपट हो गया, हमारा मिरर टूट गया ना, इसकी वजह से थोड़ा मूड खराब हो गया। बट कोई ना कोई जुगाड़ तो कर ही लेंगे, बिकॉज हम इंडियन हैं, इंडियन जुगाड़ कर ही लेते हैं कुछ ना कुछ। तो वो भी गए, कुछ जुगाड़ करेंगे मस्त, इसको जोड़ेंगे और फिर चलेंगे इससे आगे। सामने देखो वो भी आ रहे हैं, हाथ में कुछ लेके आ रहे हैं, कुछ जुगाड़। क्या जुगाड़ लेके आए? अच्छा टेप लेके आए, टेप से जोड़ेंगे। अच्छा पैसे पैसे लगे टेप के भी? अच्छा, दो पाउंड में मिली, 200 रुपए की टेप मिली है। और रोप कितनी की मिली थी? 5 पाउंड की। मैं तो रो ये दे दे यार, टेप से ब्लैक भी है, टेप से जोड़ेंगे। कैन यू हेल्प मी? हाँ हाँ बताओ। वो भी हम उससे भी इंग्लिश में बात करें, दिख रहा है? दिख रहा है सही? हाँ भाई, काम चल गया यार, इसका जुगाड़ बना दे पहले भाई। एक बार बताओ, हम इंडिया से तो ये क्वालिटी, अरे खत्म हो गई क्या? कहीं पे कोई मिरर मिलेगा ना, छोटा सा मिरर भी लगा लेंगे इसमें। मिरर है मेरे भाई, भले एक टेबल लानी पड़े मुझे अभी, तोड़ लूंगा मैं। जबर कभी आपका मिरर टूट जाए तो इस तरह से जोड़ सकते हो आप। टेप लगा के ऐसा लग रहा है टूटा ही नहीं है, बस ये टूटा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये टूटा बस। यार बोबे ठीक कर ही देते हैं, कहीं कुछ भी हो जाए बोबे ठीक कर देते हैं। हो गया सही? वाह ये तो टाइट हो गया एकदम। जब बोबे भी हमारे साथ तो डर नहीं, क्या बात। तो गाइस हमारा पानी भी खत्म हो गया, देखो ये देखो बहुत कम पानी आ रहा है, तो पानी भरना पड़ेगा पहले। वैसे अभी हमको जरूरत नहीं, बिकॉज हमने नहा लिया, खाना बना लिया है, सब कुछ हो गया है। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि इन कैंपिंग साइट्स का फायदा क्या है, यहाँ पे क्या क्या मिलता है आपको। ओनली कैरावैन के लिए नहीं है कि कैरावैन हो आपके पास तभी आ सकते हो, कुछ भी लेके आ सकते हो, गाड़ी बाइक साइकिल टेंट कुछ भी लगा सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे नहाने के लिए भी अवेलेबल है, वॉशरूम भी अवेलेबल है, बर्तन धोने के लिए भी, पानी, डस्टबिन। देखो ये लोग सिर्फ टेंट लेके आए हैं, तो इन्होंने टेंट लगा रखा है। ये भी टेंट लेके आए हैं, ये भी टेंट, ये भी टेंट, और ये देखो भाई ये सिर्फ बाइक लेके आए हैं, वो भी हार ले, बाइक और टेंट। ये लोग भी बाइक लेके आए हैं, देखो बाइक के ऊपर बैठा रखा है इन्होंने। ये हमारी कैरावैन, ये भी कैरावैन। तो मतलब ये कैंपिंग साइड है जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। मैं आपको ये वाला एरिया दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है आपके लिए। सबसे पहले डस्टबिन, डॉग्स को साथ में रखो, डॉग्स की पॉटी साफ करो, वॉशअप एंड लॉन्ड्री। यहाँ बर्तन धो सकते हैं अपने, जो भी आप कैंपिंग के लिए लेके आओगे। कपड़े वाला एरिया ही है, देखो यहाँ पे कपड़े, यहाँ पे कपड़े धो के सुखा सकते हो। ये बॉयज वॉशरूम है, यहाँ पे नहाने का एरिया भी है, और ये एरिया नहाने के लिए है, देखो यहाँ पे शावर भी लगा हुआ है। गाइज यहाँ के लोग ना बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं कैंपिंग वगैरह के, इसलिए ऐसी आपको यहाँ पे हजारों जगह मिल जाएंगी ऐसी, जहाँ पे कैंपिंग करते हैं लोग बैठ के मस्त। अब तो बारिश स्टार्ट हो गई गाइज हल्की हल्की, हमारी कैरावैन भी आ गई। चलो हम भी सारा काम कर लेते हैं अपना, कूड़ा खाली कर देते हैं, पानी भर लेते हैं। खोल दिया, चलो अब सारा वेस्ट पानी आ चला जाएगा, चलो पानी भरते हैं। हाँ ड्रिंकिंग है, दोनों ड्रिंकिंग है। टूंटियाँ तो यहाँ सेम ही होती हैं, काम होने के बाद इसको लपेट दो ऐसे। गाइज अभी यहाँ पे मेरा पोपट हो गया, मेरे को पानी चाहिए था बट आ ही नहीं रहा था भाई यहाँ पे। मेरे को लगा ऑटोमेटिक आएगा, ऑटोमेटिक भी नहीं आ रहा था, बट फिर देखा यहाँ पे, देखो ये देखो भाई, यहाँ पुश करना पड़ता है, ऐसे करो तब आएगा पानी। साबुन ऑटोमेटिक आएगा, साबुन ऑटोमेटिक झाग आएगा, झाग साबुन भी नहीं, झाग। सारे सिस्टम अलग है यहाँ के भाई। चलो भाई ऑल सेट, अब निकलते हैं यहाँ से सीधा आइल्स ऑफ स्काई के लिए। May you always keep your head held up high, pretty little thing, your
are a diamond in the rough, shining from within. I can tell that you're tough, just the sight of you when I'm at my weakest point. ऐसी जगह पे भी रेड लाइट है, देखो ये सब गाड़ियां रुकी हुई है रेड लाइट की वजह से। गाइज यहाँ पे ना एक चीज की कमी है जो कि है ठेले। यहाँ पे कहीं पे ठेले नहीं होते, जैसे रोड के किनारे इंडिया में होते हैं ना ठेले, कहीं पे भुट्टे मिल रहे हैं, कहीं मैगी मिल रही है, कहीं पे क्या मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे रोड पे कुछ नहीं होता। तो मैं ठेले को बहुत मिस कर रहा हूँ, स्पेशली मैगी। गाड़ी रोकना ही अलाउड नहीं यहाँ पे, चलते रहो बस चलते रहो। और याद इंडिया की आती है भाई लास्ट, याद तो इंडिया की आती है लास्ट में, कहीं भी घूम लो। हमारे इंडिया तो इंडिया है यार, बेस्ट, सब कुछ मिलता है वहाँ, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी रुक सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, बट यहाँ लिमिटेड है, यहाँ रोक नहीं सकते, जहाँ जगह की वहीं रोक सकते हैं। खाने पीने की बहुत दिक्कत है। Makes a world of difference, oh you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough. Guys, अभी हम आपको एक ऐसा वाटरफॉल दिखाने वाले हैं ना, इतना खतरनाक वाटरफॉल, पहाड़ के बिल्कुल एंड में जा रहे हैं हम, वहाँ पे पहाड़ खत्म है, समंदर स्टार्ट है, तो वहाँ वाटरफॉल होता है मस्त खतरनाक वाला। गाइस यहाँ पे रोज बारिश होती है, रोज बारिश होती है। Pretty little thing, you're a diamond in the rough, shining from within, I can tell. Finally पहुंच गए, देखते हैं कितना बड़ा वाटरफॉल है। ये देखो भालू कितना क्यूट लग रहा है। तो गाइस वहाँ पे है वाटरफॉल जहाँ पे सभी खड़े हैं, देखो तो दिखाता हूँ आपको, और ड्रोन से दिखाऊंगा अच्छे से। पहले भालू से मिलते हैं। हेलो भालू, हाय भालू, यार कितना क्यूट है। वहाँ पे वाटरफॉल दिखाता हूँ आपको, ये रहा वाटरफॉल, ये देखो कितना ऊंचा है, वहाँ से देखो पूरा नीचे तक, और सामने पूरा समंदर है, पूरा दूर दूर तक। देखो कितना खतरनाक लग रहा है भाई, यहाँ से कोई गिर जाए ना भाई। चलो ड्रोन शॉट्स एंजॉय करो, वैसे बारिश हो रही है देखो। Feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. You're the first thing in the morning and the last. गाइस यहाँ पर ना एक रिवर है, उस रिवर का पानी आ रहा है यहाँ पे समंदर में, तो ये वाटरफॉल बन रहा है देखो। तो गाइस ड्रोन भी उड़ा लिया है, लेकिन बारिश तेज हो गई, मुझे उतारना पड़ा, लेकिन भाई बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, मैं तो हाथ कांप रहे, पूरा ड्रोन भीग गया मेरा, पूरा पूरा भीग गया, खराब ना हो जाए। चलो भाई अब निकलते हैं यहाँ से, पूरा जम चुके हैं हाथ वाथ सब जम चुके हैं, अब चलते हैं, अब हीटर में चलते हैं गाड़ी में, लेकिन मजा आ गया इस वाटरफॉल को देख के, अब चलते हैं हम नेक्स्ट जगह पे, चलते हैं देखते हैं। भागो भाई, जम गया मैं, कहीं लिटरली जम गया, मेरे हाथ जम गए। गाइस आइल्स ऑफ स्काई में बहुत कुछ है घूमने के लिए, तो हमने वाटरफॉल तो देख लिया, अब कहाँ चले, ये बहुत कुछ है इसमें, तो एक महीने में भी कवर नहीं होगा, ये तो बहुत कुछ होगा। बोल भी आगे चश्मा देखो भाई, भाई चश्मे का ही सारा, बिना डंडे वाले चश्मा। वाटरफॉल से निकल गए हम। गाइस ये घर देखो, कलरफुल, देखो कितनी प्यारी सिटी है। तो भी गाइस रुके हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। अबे ये क्या चल रहा है, ये देखो गाइस ये खुद ही चल रहा है, आई थिंक घास काटने की मशीन है, रिमोट कंट्रोल कार की तरह लग रही है, खुद चल रही है देखो। आज भी खुद ही भरना पड़ेगा पेट्रोल, 44 पाउंड का है। यहाँ से हम कुछ खाने पीने का भी ले रहे हैं, ये पता नहीं क्या है, ये पता नहीं क्या है, ये बिस्किट है और ये है, चेन चला रहे हमारे, इतने सारे थे इसमें से बस इतने से बचे। ये ट्राई करते हैं मॉन्स्टर मंच, 112 रुपए का ये, बढ़िया। चलो अब बारी आ गई बिस्किट की, बिस्किट खाते हैं मस्त। चलो भाई यहाँ रुकते हैं, यहाँ फोटोज और वीडियोज वगैरह लेते हैं थोड़ी, सामने के पहाड़ देखो कितने मस्त लग रहे हैं ना। तो गाइस फाइनली आइल्स ऑफ स्काई पहुंच चुके हैं, मेरे पीछे जो पहाड़ है ना सारे आइल्स ऑफ स्काई के पहाड़ है, हालत खराब हो रही है ना। चलो चलो भाई अंदर चलो, गाइस बाहर तो रहा ही नहीं जा रहा भाई, ठंड से यार, ठंड से हाल खराब भाई। हम फोटो वीडियो के लिए गए बाहर, हम फोटो वीडियो भी नहीं ले पाए भाई, कैंपिंग साइट में चले गए सीधा। आज भी हमने अपनी कैंपिंग साइट बुक कर रखी है यहाँ पे आइल्स ऑफ स्काई में, तो आज रात को वहीं पे रुकेंगे। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके अपने लोकेशन पे,
जहाँ पे रात को रुकेंगे हम, हमारी कैरावैन यहीं पे खड़ी रहेगी रात भर। और यहाँ पे देखो चार्जिंग पॉइंट भी है, चार्जिंग पॉइंट रात भर आज यहीं पर रुकेंगे हम आइस ऑफ स्काई में। और भाई सामने का व्यू देखो भाई, लेकिन भाई ठंड इतनी ज्यादा हो रही है ना भाई, मतलब बता नहीं सकता मैं आपको, हम घूम ही नहीं पा रहे कहीं पे भाई। आज बारिश ने काम खराब कर दिया हमारा, हम कहीं पे जा ही नहीं पा रहे। वो भी आप क्या करें, बारिश की वजह से देखो पूरा पोपट हो गया, आप कहाँ जाएं, क्या करें। अरे यहीं बैठ के मजे लेंगे, देखो कितना प्यारा व्यू है यहाँ से, सामने देखो ना ये व्यू देख, लैंप्स को देख, यहीं अपना खाना ना बनाते हैं बढ़िया करके अपने। गाइस सबसे बड़ी बात पता क्या है, हमको यहाँ फ्री वाईफाई मिल गया, मतलब फोन में कहीं नेटवर्क नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, लेकिन वाईफाई है वो फ्री वाईफाई। चलो फिलहाल मैं तो एडिटिंग शुरू करता हूँ। और बाहर देखो बहुत तेज बारिश हो रही है गाइस, हमने बिल्कुल सही किया जो हम रुक गए यहाँ पे, बिकॉज बारिश देखो बढ़ती जा रही है, बारिश की आवाज आ रही है आपको। बॉय भी तैयारी करे डिनर की। गाइस हमारी पूरी कैरावैन हिल रही है बाहर, इतनी तेज हवाएं चल रही है ना, और भाई बारिश रुकी नहीं है, चार पांच घंटे हुए हम कैरावैन में, अंधेरा भी हो चुका है। देखो देखो हवा की आवाज आ रही है आपको, ये देखो पूरी कैरावैन हिल रही है हमारी भाई, इतना डर लग रहा है ना, बहुत तेज हवाएं चल रही है। आज हम कहीं घूम भी नहीं पाए, बस वाटरफॉल जा पाए थे, उसके बाद फिर हम कैरावैन में ही है भाई। लेकिन हम कल के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, बिकॉज कल जो होने वाला है ना मजा आएगा, कल स्पेशल चीज दिखाई जाएगी आपको। फिलहाल तो हमारी पूरी कैरावैन हिल रही है, एडिटिंग कंप्लीट हो गई, मैंने अपलोड पे लगा दी है। अब फिलहाल डिनर करते हैं, डिनर बने मस्त दाल चावल, वो भी मैंने बनाए इंडियन दाल चावल खाते हैं, आज अलग ही एक्सपीरियंस है, बिकॉज आज पूरी कैरावैन हिल रही है हमारी, इतनी तेज हवा चल रही है ना बाहर, आज नींद नहीं आएगी। अच्छा एक चीज ख्याल की, इतना आधी तूफान आ रहा है उसके बाद भी लाइट नहीं जा रही। हाँ लाइट क्यों नहीं जा रही, हाँ लाइट भी नहीं जा रही, वाई भी चल रहा है, वाई चल रहा है। इनके जो भी है ना अंडरग्राउंड पूरा बना हुआ है, मतलब ओपन वायर्स नहीं है, अंडरग्राउंड है सिस्टम पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम है, अंडरग्राउंड है। कंटिन्यूसली 5-6 घंटे से बारिश हो रही है, तूफान हो रहा है, लेकिन भाई लाइट भी नहीं गई, वाईफाई भी चल रहा है मस्त अपना, क्योंकि सारी वायरिंग इनकी अंडरग्राउंड होती है, पूरे पहाड़ में कहीं भी वायरिंग नहीं दिखी हमको। फिलहाल खाते हैं यार, तो गाइस डिनर हो चुका है, अब फिलहाल बर्तन धोएंगे और सो जाएंगे। फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, वो भी सो गए, वो भी फोन हाथ में, वो भी ऊपर जाके सो जाओ ना आराम से। Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong.